सामाजिक सौहार्द बिहार में बना रहे, आप लोग भी इस मौके पर आकर के सब कुछ देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ईद का नमाज अदा किया जा रहा है और यहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और जो तमाम मुसलमान भाइयों से मुलाकात किए और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप तो जानते ही हैं कि काफ़ी लंबे समय से गांधी मैदान में ईद का नमाज अदा किया जाता है और हम सभी लोग से मिले हैं और ईद का शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले सुनिए उनकी बात। और काफी संख्या में लोग आते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है और पूरे महीने में कार्यक्रम चलता ही है। जो भी तो अनेक जगहों पर जाते हैं, काफी मालूम है, सब लोगों को बधाई देते हैं और मजा है। एकदम आपस में प्रेम और भाईचारे धर्म को मानने वाले सबका हम सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं और आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। इसी के लिए संभव है, प्रयास होता है और बहुत अच्छा माहौल है। अब आप जानते ही हैं इतना अच्छा है और इतना बढ़िया ढंग से ही लोग सब कार्यक्रम करते हैं। आज के मौके पर, ईद के अवसर पर सब सामाजिक सौहार्द बिहार में बना रहे, आप लोग भी इस मौके पर आकर के सब कुछ देख रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और जो ये लोग अभी ईद के अवसर पर जो इनका हुआ है, तो इस मौके पर एक एक चीज आप लोगों के पास आता है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। आप तो एकदम बुलंद रही है। आपने सेवैया खाई सर? सेवैया आपने खा ली सर? मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी यात्रा दूसरे चरण की यात्रा में देश को सर, तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तमाम मुसलमान भाइयों से मिले और ईद का शुभकामनाएं दिए हैं और जिस तरह से बात करें तो ये काफ़ी लंबे समय से गांधी मैदान में ईद का नमाज अदा किया जाता है और पहले भी ईद का नमाज किया जाता था और हम हमेशा आते रहते हैं। इस तरह की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहें और जिस तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम मुसलमान भाई हैं वो किस तरह से गांधी मैदान में ईद का नमाज अदा कर रहे हैं और जिस तरह से बात करें तो नीतीश कुमार लगातार ईद के नमाज अदा करने मुख्यमंत्री गांधी मैदान पहुँचते थे और आज भी पहुँचे हैं और तमाम मुसलमान भाइयों से मुलाकात किए हैं। तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।